नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद सीएम नायब सैनी समेत तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां अनिल विज सुर्खियों में है, वहीं खासकर सीएम सैनी विभिन्न सरकारी विभागों को दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक तरफ जहां सीएम लगातार अधिकारियों को तलब कर उनके साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी सोमवार रात अचानक पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और यहाँ सभी व्यवस्थाओं की जांच की, साथ ही मरीजों के पास जाकर उनसे इलाजी सुविधाओं और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों को लेकर जानकारी ली। सीएम सैनी जब पंचकुला सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो यहां अधिकारी और डॉक्टर तुरंत अलर्ट दिखे। सीएम ने अस्पताल के अलग अलग वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की और कमी पाए जाने पर अधिकारियों को कड़े ढंग से निर्देशित किया। सीएम ने अस्पताल में दवाइयों की पर्याप्तता, विभिन्न जांचों और डॉक्टरों के साथ स्टाफ को लेकर जानकारी हासिल की। इसके साथ ही सीएम अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के पास जाकर उनसे मिले और उनसे पूछा कि उन्हें ठीक से इलाज मिल रहा है या नहीं, अस्पताल की सेवाओं में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आ रही। इस बीच मरीजों और उनके परिजनों ने सीएम से बातचीत की। यहाँ पर काबिले गौर है कि सीएम नायब सैनी ने अपने पास सबसे ज्यादा विभाग रखे हैं। सीएम के पास गृह, वित्त और कराधान, आबकारी जैसे अहम विभागों के साथ साथ दर्जन से ज्यादा विभाग रहेंगे। जहां गृह, वित्त जैसे अहम विभागों के साथ हरियाणा में सीएम नायब सैनी ही सबसे पावरफुल होंगे। बता दें कि पहले ही यह आशंका जताई जा रही थी कि अनिल विज के पास गृह विभाग नहीं लौटेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।